आपने पहले नहीं देखी होंगी ऐसी दीवारें, देखेंगे तो घूम जाएगा आपका सिर। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे मुश्किल मानी जाती है। भगवान शिव के इस स्थान के दर्शन पाने के लिए हर साल हजारों साधु संत श्रद्धालु कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कैलाश पहुँचते हैं। विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करता है। इस यात्रा पर बहुत ही ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, बर्फ को काटकर बनाए गए रास्ते और झील, कुदरती पहाड़ियों के नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं लगते। सड़कों के आसपास बर्फ से ढकी कई फुट ऊंची दीवारें बन जाती है, जहाँ का नज़ारा सच में किसी को भी जन्नत से कम नहीं लगता। नए रास्ते की बदौलत अब यात्री अपनी गाड़ी से ही कैलाश मानसरोवर तक पहुँच सकेंगे। दार्जिलिंग तक सड़क का रास्ता बनने के बाद तीर्थयात्री आसानी से मानसरोवर झील तक पहुँच सकेंगे। यात्री बस से नोम लाजी जोनोबा होते हुए चगुत तक पहुंच जाते हैं। दाश इस नए रास्ते से एक महीने की यात्रा अब एक हफ्ते में पूरी होगी। इस नए रास्ते का फायदा सबसे ज्यादा बुजुर्गों को होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। दाश 22,028 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस धाम की यात्रा में अब सिक्किम के नाथुला दर्रे के नए रास्ते का इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख को सड़क मार्ग से जोड़ने जा रही है। धारचूला से लिपुलेख तक बनने वाली सड़क के लिए अभी तक 35 किलोमीटर तक के पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने के लिए तैयार भी किया जा चुका है। दाश कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने का इंतजार भगवान शिव के भक्त हर साल बड़ी बेसब्री से करते हैं। भोले भंडारी के भक्तों के लिए एक खुशखबरी है कि चीन ने यात्रियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। अब यात्री अपनी गाड़ी से ही कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकेंगे।